अच्छा बता इनमें से कौन सी वाली से सेटिंग करेगा? वो वाली देख। नहीं यार वो थोड़ी छोटी है। अच्छा वो वाली देख। यार वो मोटी है थोड़ी, वो भी नहीं। अच्छा तो चल उसे देख ले। फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए सास आवाजे मारे अखियां मारे अखियां। बोलो। डन, ये वाली बिल्कुल डन। अरे ये तो मेरी क्लासमेट है, इससे तो तेरी यूं सेटिंग करा दूंगी। लेकिन देख मेरी फ्रूटी डन है आधा लीटर की। हाँ ठीक है डन डन। अरे मेरे फ्राइड राइस भी। चल तेरे भी डन। चल ठीक है तेरे भाई की भी सेटिंग होगी देख। अदिति यार लंच लाई है? हाँ? मुझे खिला दे यार। क्यों? मेरी मम्मी ने मेल ले दिया है, मैंने दूंगी। तो खिला नहीं सकती? ना। यार देखिए कितना टाइम हो गया, कद आऊगी वहाँ? अरे आती होगी, लट जा। सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए सोने रंग दे रांझे। हाय हाय सुषमा। रचित रचित सुषमा। हाय। मैंने तेरे बारे में इसको सब बता दिया, बाकी तू तो इसको जानता ही है। अब जाओ तुम दोनों बात कर लो। पूछ ले तू चांद से गिनती उतारे सोने रंग दे रांझे जो तेरे संग लागी प्रीत मुहे रो बार बार तेरा नाम ले चुप है बातें दिन कैसे बयान करूं तू ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे। तुझे पता अपने क्लास की सुषमा साइफर रचित सेट हो गई? अबे क्या बात कर रहा है, ये कब हुआ? सही कह रहा है वो, यही प्यार था तेरा। हाँ उसकी इतनी हिम्मत, उसको मैं बताता हूँ, तू चल मेरे साथ। अरे तेरे यार के सुषमा सेट होगी 8 साड़ी। अरे ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई सुषमा से सेटिंग करने की, उससे मैं प्यार करता हूँ। दसवीं क्लास जैसी सिर पाड़िया कट ली गई आर्मी च जेल यार ने कितिया प्लस टू भी फेल यार ने यार आली। ओ चंगू मंगू इधर आओ। तुम दोनों अन संभालो इनके बॉस ने, मैं संभालू हूँ क्योंकि टी बना का उसने। हाँ भाई क्या करना इनका? अभी बताता हूँ। लाडले में उठ हो जा कर बकवास ना हाथ में गलोकले का बना बदमाश ना महाराजा महाराजा कह कर बोला मैं नाम गॉड फादर मैं देख शाइन करे जाके देख रिकॉर्ड कौन। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। जानता न मारी है रमार का घसीटी। सुन रहा बदमाश है, आज के बाद से तने मेरे यार के डांक ठा दी ना साले की छाती में इतनी लात भर दूंगा। ठीक है मानस हो ना तो समझ जाइए। ठीक है मैं बना दियो साले ने मजनू। ओ कर दिए हल दस केड़ा मसला टिक्की आज गल चकना नी असला अख जे कोई रखू मेरी जान दे उते सारे तोड़ देने यार, तोड़ देने यार। मैं कमिंग मैम।
सीमा मैम के होते हुए स्कूल में आशिकी, तुम दोनों की इतनी हिम्मत। उठ। क्लास में चल अपनी। इधर क्या देख रहे, क्लास में जा। हाँ भाई रो, मजा आया आज। और तो तेरी हिम्मत कैसे। यार अजित, सीमा मैम ने ना सुषमा को बहुत मारा। सही बता, सच में मारा है क्या? हाँ भाई, तेरे जाते ही मैडम ने उसे बहुत मारा। सारे आर आर पार इन हाई स्पीड कार मीडिया में चर्चे, मारी गाड़ी टॉप गियर बाबा बोलेगी से में। आज थम दोनों रुको, आज तेरा भाई अकेला जाओगा। प्राइवेट जेट यार तेरा शेर आया रखे जिगरा। साले सुन, वह मेरी है और मेरी रहूगी, अपने भीतर तक कांगा लगा लिए कुछ नहीं कर सकता। और तेरी बात ना बनी तो मैडम दो जाकर लुगाई के डाला चुगली करने लग गया तू। यारा बिन कखदा यारा नाल लखदा ओए, ओ बंदा बुंदा कुटना जे बंप किते सुटना खजाना कोई लुटना तैयार ने। ये लो तुम्हारे लिए बनाना शेक और देसी घी का चूरमा। अब मैं ही तुम्हारे लिए डेली लेके आया करूँगी और तुम्हें डेली खाना है। और अब अगर तुम उससे पंजे में हार रहे तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अब तू टेंशन मत ले, डेली बनाना शेक पीऊँगा और डेली ये देसी घी का चूरमा खाऊँगा और देखिए उसको पंजे में हरा के दिखाऊँगा। और इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच यार। चूरमा और नान दे, इतने दे मूवी ना लागना। अरे वो शेक भी। हाँ भाई, मेरी बंदी मेरे ते लाई थी यार, मतलब यार प्लीज यार मेरे लिए लाई थी मेरी बंदी। अच्छा बंदी बड़ी होगी, दोस्त बड़े हो गए, गाने दे। भाई देख, दे तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे, अगली बार पंजे में तेरे मेरे तो हारना पड़ेगा। चल मेरी की फीस कट्टा है, चल आने दे, हार जा, की बात है, घर तक थोड़ी जाएगा। जा अंडा ला जा।
तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? मतलब तुम मुझे पागल समझते हो? तुम्हें लास्ट टाइम भी वार्निंग दी थी मैंने कि यहाँ पे आशिकी नहीं चलेगी, पर तुम दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टीचर क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, है ना? मैम आई एम सो सॉरी, मैम आगे से कभी भी कुछ नहीं होगा ऐसा, और मेरी एक भी कंप्लेंट नहीं आएगी आपको कभी, मैम प्लीज प्लीज माफ कर दो। यहाँ पे सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलेगा, कल तुम दोनों अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आओगे, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आए तब तुम स्कूल आना, अदरवाइज बिल्कुल मत आना। मैम आई एम रियली सॉरी, मैम प्लीज लास्ट चांस है, दो पेरेंट्स को मत बुलाओ, आगे से कभी हम शिकायत का मौका नहीं देंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, मैम प्लीज लास्ट चांस। चलो ठीक है, एक लास्ट चांस दे रही हूँ तुम्हें, अगर आगे से एक सिंगल भी कंप्लेन आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से उठो और क्लास में पहुंचो और पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। या तेरे को नहीं लगता अब हमें थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, एग्जाम भी आ रहे हैं। हाँ यार सही बोल रहे हो, पढ़ाई पे तो फोकस करना चाहिए। अच्छा वैसे आगे के लिए क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर में क्या करना है, क्या सोचा है? जब मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ना एक बार तो मेरा टीचर बनने का ड्रीम है। वाह यार टीचर सही है। तुम्हारा क्या प्लान है? नंबर तो मेरे नो डाउट अच्छे आ ही जाएंगे, बस फिर एक एग्जाम दूंगा और MBBS में एडमिशन लेके मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा। अच्छी बात है। अच्छा आप एक काम कर, अपनी क्लास में जा और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? पढ़ाई भी जरूरी है। यार एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया, क्या रहा तेरा? और तुझे पता है मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 92% मार्क्स आए मेरे, अब बस मुझे एक एग्जाम देना है फिर MBBS में एडमिशन हो जाएगा और फिर तो मेरा डॉक्टर बनना बिल्कुल फिक्स है। क्या हुआ यार तू खुश नहीं है क्या कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं? नहीं यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन तू उदास लग रही है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो बता मुझे क्या बात है? यार मेरे ना अच्छे मार्क्स नहीं आए और मेरा टीचर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और मुझे ऐसे किसी छोटे मोटे कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। तू जो मिला है सब कुछ मिला है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुझ में बसा है तुझसे जुड़ा है, तुझसे ही सारी बहार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें तो MBBS के एडमिशन के लिए जाना था ना आज? हाँ जाना तो था पर फिर मैंने सोचा कि अब ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि यार मैं ऐसी जगह जाके क्या करूँगा जहाँ तू मेरे साथ नहीं होगी, हमने इतना टाइम साथ में स्पेंड किया है, तो इसलिए मैंने सोचा जो कोर्स तू करेगी मैं भी वही कोर्स करूँगा, तो इसलिए अब जहाँ तू जा रही है मैं भी वहीं जाऊँगा, तो चल अब ठीक है। अपने स्कूल के साथी को जीवन साथी बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही होता है स्कूल वाला लव। संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं।